नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में फिर से सख्ती बढ़ा दी है। गृह विभाग ने शिक्षा विभाग को ऑनलाइन पढ़ाई फिर से शुरू करने के आदेश दिए थे ताकि बच्चे घर में रहकर सुरक्षित शिक्षा ले सकें, लेकिन निजी स्कूल संचालक मनमानी पर उतर आए हैं। कई स्कूलों में अब भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं की गई है। वे पेरेंट्स पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव बना रहे हैं। अब अभिभावकों ने निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभिभावक एकता आंदोलन में संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी आंख बंद कर बैठे हैं, जिसका खामियाजा अभिभावक और छात्रों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के स्कूलों में छात्र पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन स्कूल संचालक अब भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। कुछ स्कूलों द्वारा फीस जमा नहीं करवाने पर छात्रों को पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है। महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली पर विरोध के सुर उठने लगे हैं। रैली से जुटने वाली हजारों की भीड़ से कोरोना फैलने की आशंका का तर्क देकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। एडवोकेट राजेश मूथा ने कांग्रेस की रैली से कोरोना का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में 6 दिसंबर को इस जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में तर्क दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच यह रैली जानलेवा साबित हो सकती है। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पुराना अनुभव भी यही बताता है कि जब भी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम हुए हैं, उसके बाद कोरोना के केस बढ़े हैं। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। अब ओमिक्रॉन के 2 मामले मिलने के बाद खतरा कई गुना बढ़ गया है। दौसा जिले के विशेष न्यायालय ने 13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी कालू महावर निवासी भंडाना को शेष प्राकृतिक जीवन तक कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि मामला जून 2020 को महिला थाना दौसा में दर्ज हुआ था। FIR में बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी पिता की दुकान से घर लौट रही थी। इस दौरान भंडाना निवासी कालू महावर उसकी बेटी को जबरन पकड़कर खंडर मकान में ले गया, जहां नाबालिग के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया। जयपुर जिले के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में घर से करीब 150 मीटर दूर युवती का शव मिला है। गला काटकर उसकी हत्या की गई है। आधी रात के बाद भाई पिता घर आए तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। पिता को घर से थोड़ी ही दूरी पर कंटीली तारों के बीच मेड पर बेटी का शव दिखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि युवती की 5 महीने पहले सगाई हुई थी। मंगेतर किसी दूसरी युवती को लेकर भाग गया। इसके बाद युवती के परिवार ने शादी तोड़ दी थी। युवक शादी का दबाव बना रहा था। युवती की पहचान डोडा वाली ढाणी की रहने वाली मनीषा मीना के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू जिले के बिलवा घाटी स्थित पुराने कुएं में एक युवक का क्षत विक्षत शव मिला है। शव 1 माह पुराना है, जिसके कारण कुएं से निकालते समय इसका धड़ अलग हो गया और केवल कमर के नीचे का हिस्सा ही बाहर निकाला जा सका। इसके कारण इसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि शव को वापस निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टोंक जिले के घाट थाने में 1 माह पूर्व एक युवक गायब हुआ था, जिसके परिजनों ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच में युवक के मोबाइल की आखिरी लोकेशन खेतड़ी क्षेत्र में आई थी। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है। सीकर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दौलतपुरा गांव के रहने वाले एक युवक से कोर्ट मैरिज कर 1,50,000 रुपए की ठगी की थी। शादी के 2 दिन बाद ही लड़की फरार हो गई। दादिया थाना पुलिस ने बताया कि 1 दिसंबर को दौलतपुरा गांव के रहने वाले महिपाल सिंह ख्यालिया ने मामला दर्ज करवाया था। फर्जी शादी और 1,50,000 की ठगी के मामले में आरोपियों के ठहरने की जगह दबिश दी। होटल में फर्जी दुल्हन बरखा लोहारा, ओम प्रकाश जाट, अलीना तांती, अजीत सोरेंग और अहमद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के पावटा स्थित एक अस्पताल में चित्तौड़गढ़ पोस्टेड पुलिस निरीक्षक ने बेटी का डेंगू होने पर इलाज करवाया। बेटी की तबीयत बिगड़ने के बाद भी 5 घंटे तक उसे डॉक्टर ने नहीं देखा। इस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस निरीक्षक पिता की शिकायत पर मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आई। इस पर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों पर महामंदिर थाने में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि बनाड रोड निवासी पुलिस निरीक्षक विक्रम सिंह रावत ने पावटा स्थित सनसिटी अस्पताल के डॉक्टर ML धारीवाल व अन्य नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि तेज बुखार होने पर हर्षिता को सनसिटी अस्पताल लाया गया था। जांच कराने पर डेंगू पाया गया था। अगले दिन हर्षिता को जांच के बाद निगरानी के लिए भर्ती किया गया, उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। नर्सिंग स्टाफ ने उसकी बिगड़ती हालत को गंभीरता से नहीं लिया और न ही चिकित्सक को बुलाया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर गुर्जर सिमला गांव के पास हुआ। मृतक पूरण नायक बालाजी थाना इलाके के ही खेड़ा पहाड़पुर गांव का रहने वाला था, जिसकी बाइक की ट्रेलर से भिड़त होने से यह पूरा हादसा सामने आया है। सूचना पर पहुंची बालाजी थाना पुलिस ने युवक के शव को सिकराई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। युवक अपने गाँव लौट रहा था। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के जालोर तिराहे पर शराब के नशे में कुछ युवक झगड़ रहे थे। यह देख रोहट के महेंद्र मेघवाल ने बीच बचाव कर उन्हें शांत किया। एक पक्ष के लोग वहां से चले गए, लेकिन दूसरे पक्ष के दो भाइयों ने महेंद्र को निशाना बना लिया तथा सिर पर सरिये से वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रोहट निवासी 30 वर्षीय महेंद्र मेघवाल पाली से बैरवा कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। हमेशा की तरह वह मोडी भाखरी स्थित फार्म हाउस पर कार रखकर रोहट के जालोर तिराहे स्थित भवानी होटल पहुंचा, जहां गडवाड़ा निवासी जीतू आचार्य व शेरू आचार्य शराब के नशे में किसी से झगड़ा कर रहे थे। यह देख महेंद्र ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत किया। एक पक्ष वहां से चला गया। बाद में जीतू व शेरू आचार्य महेंद्र मेघवाल से उलझ गए तथा उससे मारपीट की। जोधपुर जिले की औसियां पुलिस ने गत दिनों नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। आरोपी ने केंद्रीय कारागार में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। उसका शव जेल की बैरक में शौचालय के रोशनदान में डोरी से फंदे पर लटका मिला। उसने तंत्र मंत्र से ट्यूबवेल से पानी निकालने और कुंवारी कन्या से पूजन करवाने का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने बताया कि भोपालगढ़ थाना अंतर्गत गादेरी गांव निवासी सत्ताराम उर्फ हीरादास ने भगवा धोती बांधने में प्रयुक्त होने वाली डोरी से फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म व पोक्सो मामले में सत्ताराम को वर्ष 2013 में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। वह 7 साल से जेल में बंद रहा। पिछले साल उसकी जमानत हुई थी। गत 26 नवंबर को उसके खिलाफ फिर दुष्कर्म व पोक्सो का मामला दर्ज हुआ। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।